हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी वर्ल्ड। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग यानी कि किंग खान शाहरुख खान और रणवीर कपूर के बीच में होने वाला एक बहुत बड़ा क्लैश। जैसा कि हम सब जानते हैं, शाहरुख खान अपने आने वाले नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसका टाइटल किंग है, उसकी शूटिंग के लिए बस तैयारी है, स्टोरी रेडी है, बस शूटिंग को किक ऑफ करना जरूरी है। पर इसी के बीच एक नया अपडेट आया है कि रणवीर कपूर की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है, जिसका टाइटल है लव एंड वॉर, जिसके डायरेक्टर है वन एंड ओनली संजय लीला बंसाली, और जिसके हमें लीड में नजर आने वाले हैं रणवीर कपूर, साथ में क्यूट आलिया भट्ट और होंगे विक्की कौशल, कटरीना। एनीवेज दोस्तों, तो इन तीनों के साथ आने वाला लव एंड थंडर। अब जो बिग अपडेट आ रहा है वो है कि शाहरुख खान की किंग मूवी और लव एंड थंडर मूवी करने वाली है एक साथ क्लैश, और इसमें कौन मारने वाला है बाजी। डेट दोनों ने चुना है 20 मार्च 2026 का इस मूवी को रिलीज करने के लिए। दोनों ही पार्टी इस डेट के साथ अड़े हुए हैं कि 2026 की ईद हमारी है। अब आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके बताइए। पर दोस्तों, उसके पहले ये भी जान लीजिए कि इन दोनों की मूवी की शूटिंग अब तक शुरू नहीं हुई है, शूटिंग कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। और इन सब के बीच भाईजान भी कर सकते हैं एंट्री, क्योंकि 2025 की ईद को तो उन्होंने बुक कर लिया है अपनी सिकंदर मूवी के साथ। पर अब देखना होगा 2026 में क्या भाईजान भी आते हैं कि ईद में हमें भी रिलीज करना है मूवी। ये सब के लिए तो हमें इंतजार करना होगा। पर आपको क्या लगता है, किंग या लव एंड थंडर, आप किसके साइड में, रणवीर कपूर या वन एंड ओनली शाहरुख खान, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों।